फ्रेंड्स, माय नेम इज आरुष जैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरुष। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के कोटा शहर में स्थित इस सेवन वंडर्स पार्क में। सेवन वंडर्स पार्क, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक पार्क है जिसमें दुनिया के सभी 7 अजूबों की रेप्लिकास बनाई गई हैं। इसे वर्ष 2013 में बनाया गया था कोटा शहर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और इसने ये अपना काम बखूबी निभाया है। इस सेवन वंडर्स पार्क को बनाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये लगे और 150 से ज़्यादा वर्कर्स ने इसे बनाया। पूरी दुनिया के अजूबों को एक साथ देखने और उन्हें साथ अपनी तस्वीरें खिंचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ये जगह फोटोग्राफर्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर कई फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ की टिकट प्राइस 10 रुपये हैं बड़ों के लिए और 5 रुपये हैं 12 साल से छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर कैमराज अलाउड है बिना किसी कॉस्ट के और पैट्स अलाउड नहीं है। जैसे ही हम इस पार्क के अंदर आते हैं तो हमें दिखाई देता है ये इटली के रोम में स्थित कोलेजियम, जिसे कि 80 AD में बनाया गया था। इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा दर्शकों की बैठने की क्षमता थी। इस स्टेडियम में एंटरटेनमेंट के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। भूकंपों के कारण इसका लगभग 2/3 हिस्सा टूट चुका है। यहाँ कोटा में जो इसकी रेप्लिका बनाई गई है, इसकी साइज भले ही छोटी है पर इसकी डिटेलिंग बिल्कुल अच्छी है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि असली में ये कोलेजियम लगता है। इस इटली के कोलेजियम के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ये गीजा का पिरामिड। जो असली पिरामिड है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी के तट पर स्थित है, और इसीलिए ये पूरा जो सेवन वंडर्स पार्क है इसे इस किशोर सागर तालाब के किनारे पर बनाया गया है। ग्रेट पिरामिड करीब 3800 साल तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमें देखने को मिलती है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत यानी कि ताजमहल। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम सभी को पता है और ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है ये भी हम सभी को पता है, और इसका ध्यान यहाँ पर भरपूर रखा गया है। इसकी जो रेप्लिका है वो बिल्कुल भी असली से कहीं पर भी कम नहीं रखती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल असली ताजमहल दिख रहे हो। ताजमहल के साथ तस्वीरें खिंचवाने के बाद हमें दिखाई देती है ये पीसा की झुकी मीनार या फिर द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये भी इटली में ही स्थित है। ये टावर करीब 55 मीटर ऊँचा है। ये एक कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर जो ये कोटा में इसकी रेप्लिका बनाई गई है ये भी काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई महसूस होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है USA के न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये एक कॉपर का स्टैचू है जिसकी ऊंचाई करीब 92 मीटर्स है, और इसे फ्रांस के लोगों ने US के लोगों को गिफ्ट किया था। फिर हमें देखने को मिलता है एफिल टावर जो कि पेरिस में स्थित है। ये करीब 324 मीटर्स ऊँचा है और ये पूरा टावर लोहे का बना हुआ है, और इस पूरे टावर को बनाने में करीब 7,300 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ था, और इसे हर साल पेंट किया जाता है। इसे पेंट करने के लिए करीब 60 टन पेंट की आवश्यकता होती है। एफिल टावर के बाद हमें देखने को मिलता है क्राइस्ट द रेडिमीर का स्टैचू, जो कि असली में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में है। ये स्टैचू जीसस क्राइस्ट का है जिसकी ऊंचाई करीब 30 मीटर है, और ये स्टैचू करीब 635 मेट्रिक टन्स वजनी है। इस पूरे पार्क को किशोर सागर तालाब के तट पर बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती रहती है और यहाँ पर देखने का नज़ारा काफ़ी अच्छा रहता है। और इस किशोर सागर तालाब को देखने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया है जिस पर जाकर आप किशोर सागर तालाब को आराम से देख सकते हैं। ये पार्क काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में डेली पर्यटक आते हैं। इस जगह का गूगल मैप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी कभी यहाँ पर आना चाहें तो इस गूगल मैप के लिंक को देखकर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वे भी कभी अगर इन दुनिया के 7 अजूबों को देखना चाहें तो वे भी इस वीडियो को देखकर उनका लुत्फ उठा सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।